कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रुकिए। निकाल के आता हूँ, एक एक वन बाई वन निकाल दिया। चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं? भाई हाँ, हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आपको करके निकली है, निकल चुके अधिक संख्या। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रुकिए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, किस दिन भाई बताएं जी? अब तो 5-10 करके दो बार दे गए हैं, सबको निकलवा। अरे भाई हट जाइए, एक सांसद जी करते रहे हैं, हर आदमी तो आ रहा है। थोड़ा पीछे हो जाइए, उतार हो जाइए, आ जाइए। चलिए गाजीपुर की जिलाधिकारी अखौरी आर्या हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जा चुका है, कितनी परेशानी आई लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए? नहीं, परेशानी कोई नहीं थी, हमारी तैयारी पहले से थी। सभी जगह पे पुलिस व्यवस्था और हमारे PAC पैरामिलिट्री मैजिस्ट्रेट सब तैनात थे। चूंकि ये एक डेथ का कार्यक्रम था तो नेचुरल है कुछ लोग अपनी शोक संतावना देने आगे आएंगे, उनको मैनेज किया गया, कोई परेशानी की बात नहीं है और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। जी, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बहुत कोशिश की गई और उसका देखने को भी मिला तस्वीर, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और कुछ देर के लिए हालात जो है वो ज़रूर बेकाबू होते हुए दिखे। भीड़ जो है वो नारेबाजी कर रही थी, हुल्लड़बाजी कर रही थी। देखिए, चूँकि जब कोई मातम का माहौल रहता है तो लोग आगे आके सांत्वना देने के लिए, मिट्टी के लिए आगे आते हैं, तो वही प्रयास किया जा रहा था लोगों द्वारा, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया और सबको बताया गया कि वीडियोग्राफी की जा रही है और जिस किसी ने भी नारेबाजी की है और आपत्तिजनक नारेबाजी की है उस पर मुकदमा लिखवाया जाएगा। ABP न्यूज़ के कैमरे पर यह ब्रेकआउट हुआ है आपकी और गाजीपुर जो सांसद है अफजाल अंसारी के बीच में बहस। अफजाल अंसारी की कोशिश थी कि छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों को कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जाया जाए, लेकिन आप जो है वो उसका सख्त विरोध कर रही थी। सांसद जी जो अफजाल अंसारी जी हैं वो परिवार के हैं, वो बाहर आए थे, उनसे अनुरोध किया गया कि भाई जो आदर्श आचार संहिता है, क्योंकि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी भी हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ, उसका पालन करते हुए ही कार्यक्रम किया जाए और अनकंट्रोल भीड़ को अंदर ना ले जाया जाए। आप उस बहस में ये भी दिखाई दे रहा था, आप उनसे बार बार ये कह रही थी कि आप बार भीड़ को अंदर ना ले जाए, नहीं तो आपके ऊपर भी विधिक कार्यवाही की जाएगी, क्या कोई कार्यवाही भी हो सकती है? अभी कार्यक्रम हो जाए, फिर जो भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसके आधार पर देख करके हम कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। क्या FIR भी दर्ज हो सकती है अफजाल अंसारी? आफ्टर रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है गाजीपुर की जिलाधिकारी अखौरी आर्या, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, गाजीपुर।